संवरने का काम क्यों नहीं करते? मैं टूल्स बन के मरीना के बैग में बैठूंगा। आगे आप खुद ही देख लेना यार। ओए, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ की। जेग, तेरे घटिया इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इरादों वाले तेरा सब कुछ कलो। ये वैम्पायर बिना दिवाली के आतिशबाजी क्यों कर रहा है? ऐसा कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। शेर को मैं जमीन के नीचे से भी रास्ता बना ही लूंगा और तू जमीन के ऊपर चौकीदारी करते रह जाएगा। ये तूने रास्ता बना लिया लेकिन मुझे रास्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने का अंजाम देख लिया। ओए, ये डायलॉग तुझे नहीं मुझे बोलना चाहिए क्योंकि पानी में मैं रहता हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे लात मारता है। तू भी लात का जवाब हथौड़े से ले। ओए नो बचाओ पापा। अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझ रहा था, बाहुबली की कोशिश पानी पानी हो गई यार। ओए सिंह, तेरे ये पीले दांत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा ये मेरे सामने दांत नहीं निकालेगा। देखा, आखिरकार मैंने इसे रिपेयर कर ही दिया। अगर चाहो तो राह मिल ही जाती है। अब मैं नहाने जाता हूँ। बिल्कुल रेडी है मैडम जी। आपका जवाब नहीं। अरे ये तो एकदम टकाटक है, इसे रोकना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ओए भूकंप आ रहा है। अच्छा है, मरीना और मैं एक तरफ और तुम दूसरी तरफ यार। अरे बाप रे, अगर ये लावा फट गया तो सारी धरती का विनाश हो जाएगा। जिसका डर था वही हुआ। लावे की नदी बह रही है, अब सबकी जान खतरे में है। मुझे मरीना को खाने से अब तुम तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैडम जी
को छोड़ दे, वरना ये बाइक किस दिन काम आएगी। मुझे बचाओ। ओए, ये आवाज कैसी? आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? लगता है इसने जरूर कुछ रिपेयर करने की कोशिश की होगी। मेरा शक सही निकला। लाओ, उठाते उठाते मेरी कमर में मोच आ गई है। एक मिनट रुको, ये तीनों अंदर कैसे आ गए? हाय रे मेरे दिल की रानी, जिसके लिए मेरा दिल हुआ पानी पानी। कैसे हो मेरी रानी? लगता है इसे तारे जमीन पर दिखाने होंगे। इश्कबाजी खत्म हो गई हो तो काम की बातें करें। तुम्हें मैं चीटी की तरह मसल दूंगा। मैंने भी कराटे की विंडो ट्रेनिंग ली है। ये विंडो ट्रेनिंग क्या होती है यार? जैसे लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, वैसे ही विंडो ट्रेनिंग भी होती है। ओए! इसे कहते हैं धोबी पछाड़, धोबी की धुलाई। नहीं, ये तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। मैं बोर हो रही हूँ। मुझे टाइम पास मिल गया। मैं अभी इस मशीन को चेक करती हूँ। आता माची से टकली। ये तो डेंजर से भी डेंजर है यार। आगे वैम्पायर्स, पीछे लावा। अब शार्क और जिग जाएंगे कहाँ? ओए, सारा लावा शांत हो गया। आग भी बुझ गई। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? मैंने मशीन को ठीक कर दिया है और सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। All is well. मरीना मयारा, पहले जाके नहा ले। मैडम जी चलो यहाँ से, मुसीबत से जल्दी निकलना होगा। ओए जिग, मैंने तुम्हें कौवा समझा, तुम तो मोर निकले। ओए, मुझे सेंटी करके कहाँ चला गया? जिग, शेरको, लड़कियों की तरह आंसू नहीं बहाते यार। ओए जिग, ढंग से इमोशनल सीन भी नहीं करने देता, नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में धूल झोंक कर चले गए, देख लूंगा तुम्हें। कितनी प्यारी तितली है। आज मैं मरीना को वेज डोनट में स्टफ करके खाऊंगा यार। अरे तितली, तू कहाँ उड़ चली? जिग, तुझे भूख लगी है क्या? आ? मेरा पेट भर गया। बाय बाय शार्को। ओए! जब तक तू मेरे हाथों से मार नहीं खा लेगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? ओए, ये क्या है? पहले इन्हें ठिकाने लगाता हूँ। ये क्या है? ओह, डायमंड रिंग। मैडम जी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। मेरी प्यारी तितली, कितनी प्यारी लग रही है ना? शार्को, संभाल अपने दिल को, बहुत ज्यादा उछल रहा है। सुनो मेरे भाई, मुझे मरीना को रिंग देनी है। ओए, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। बोले तो शहर को तुझे देख लूंगा। भाई बोले तो आज का प्लान ये है, जब शार्को मरीना को रिंग देने जाएगा, आप उसके रिंग लेके दूर फेंक देना। उस दौरान आप मरीना को पका के खा लेना भाई। व्हाट एन आइडिया सर्किट, थैंक यू। ये मैडम जी, आपके लिए ये छोटा सा नजराना। लुकी, एक सड़ा हुआ आलू। ओए, ये कैसे हो गया? अरे जिग, तो फिर आ गया। जिग को रोकना होगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। वेरी वेरी गुड बाय, गुड बाय। दाल में कुछ काला है, मरीना को जिग से खतरा है।
अपने करतूतों का इनाम भी तो लेता जा। ओए, आइडिया की दुकान, चल तो भी निकल। अब सब ठीक है, तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। मैडम जी, आपके लिए डायमंड रिंग। वाओ, कितनी कलरफुल और प्यारी तितली है। क्योंकि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो शार्को? ताकि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं मैडम जी, अपने दोस्ती का इजहार करने के लिए। इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती ना। तुम्हें रिंग चाहिए और मुझे मरीना, दम है तो आके लेके जाइए। ओ सिंह, तूने ये क्या कर दिया रे? इतनी कीमती रिंग फेंक दी। क्या बात है, रिंग मिल गई। ये लो मैडम जी। मैडम जी कहाँ गई? इस बार मैं मरीना को पॉपकॉर्न की तरह भून के खाऊंगा यार। ओ, फिर से खतरे का सायरन। ओए हट जा, मरीना खतरे में है। ओए अभी तुझे बताता हूँ, पॉपकॉर्न इतना उछल कूद क्यों करते हैं? तू गरम कोयले पर बैठेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अच्छी तरह समझ गया होगा, है ना? खतरा टल गया है। मैडम जी ये लीजिए आपका गिफ्ट। मैडम जी को मेरे दिल की नहीं तितली की पड़ी है, कोई और प्लान सोचना होगा। मैडम जी, आपके लिए छोटी सी ट्रीट। बहुत प्यास लगी है। थैंक यू शार्को। मेरी अंगूठी भी कटक ली। जल्दी से बाहर निकाल अंगूठी। जमे हुए दही से दूध और जिग के पेड़ से रिंग, दोनों वापस कभी नहीं मिलती यार। बोलो तो देखता हूँ, पहले तो किसे बचाता है? पहले मैडम जी को बचाना होगा। नहीं, पहले रिंग। मैडम जी, अरे जल्दी करो जो करना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। दिल और दिमाग की लड़ाई में शार को आटे की तरह पिस रहा है। शार को, तुम्हारी हालात पे मैं रोऊं या हंसूं, तुम ही बता मैं क्या करूं यार। मुझे इस पर तरस आ रहा है। अरे ये वक्त लड़ाई का नहीं है, सोच समझ कर फैसला लेने का है। ओए मैं जीत गया। जिग, अंगूठी वापस कर दे। शार को मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? जाके मरीना को बचाओ ना। मरीना को तो मैं बाद में बचा लूंगा, पहले तू मेरी रिंग बाहर निकाल। निकाल बाहर। तुम्हारी रिंग तो लावा को प्यारी हो गई है यार। नहीं, मेरी रिंग। ऐसे किया तुमने, क्या किया? अब मैं मैडम जी को कैसे खुश करूंगा? पापा, मैडम जी, अब मैं तुम्हें क्या दूंगा? ओए, पहले इस जिग को ठिकाने लगाना होगा। जिग, तेरी वजह से मेरा बंद का काम बिगड़ गया। अब मैं तुझे। भाई मरीना सूप रेडी हो रहा है। वाह, चीट भी मेरी और पट भी मेरी यार। जिग, मैडम जी को छोड़ दे। लगता है ये रो रो के यहाँ सुनामी लाएगा और वहाँ जिग मरीना को खा लेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। मेरे दिल, मेरे भाई, चल साथ मिलके मुसीबत का सामना करते हैं। जब दिल और दिमाग एक जैसे सोचने लगे तब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हार जाती है। कैटरपिलर, मैडम जी मुझसे गलती हो गई। और सिंह, मैडम जी को बाहर निकाल। ये लो, तुम तो जानते हो हमें मजाक करने की आदत है यार। मैडम जी, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्यूट कैटरपिलर, ये तो बहुत सुंदर है। इन प्यारी तितलियों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू शार्को। मैडम जी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शार्को के साथ उसका दिल और दिमाग दोनों ही रंगीन हो गए।